सूबे चल रहे भ्रष्टाचार के दौरान यह नहीं देखा जाता कि लोग जो कि प्लाट खरीदते हैं कि अपनी उम्र भर की कमाई अपने आशा बनाने उत्ते ला देंगे हैं, पर उन्होंने बाद च भुगतना पैंदा है। देखो कुराली की सिसमा रावकी नदी जिथे कुछ बिल्डर मिलकर जायज़ तो नजायज़ कलोनियां कट दिखाई गई, तो ना ही कोई सड़क बनाई गई, ना कुछ किया गया। नदी जो कि काफ़ी वड्डी नदी मनी जाती सी, सिर्फ नालिया रूप ही बन के रह गई है, तो पानी ओवरफ्लो होने कारण पूरी कुराली शहर मार कर रहा है, जिथे लोगों का भारी नुकसान होया है। इतों दिखाने मौके दी तस्वीरां। मंदिर के बारे में बोलते कि 12 मंदिर है पूरे इंडिया में, 2 ही मंदिर है, एक यूपी में, सेकंड अपना कुराली में, लेकिन इतना है नहीं कि अभी भी देखो किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारे 4 प्रॉपर्टी डीलर है, अनिल तिवारी हो गया, राकेश गर्ग है वो चंडीगढ़ में रहते हैं, तीसरे सोनी है, चौथे एक संजय करके है, इन सब ने मिली भक्त करके मंदिर बना के हम लोगों को बेवकूफ बना के चलो जी प्लॉट काटे। ये सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। उस टाइम जो MC था, EO था, और जिसने ये जमीन बेची है नदी में, वो बंदा भी पता होना चाहिए कि किसने बेची है। ये सारी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमें तो सेफ चाहिए, हम लारे घर इतने 35-40 लाख रुपये लगाया हुआ है, हमारे सेफ्टी चाहिए। चाहे इधर दीवार बनाओ, चाहे हमें कुछ भी करें प्रॉपर्टी डीलर से, चाहे हमें प्लॉट दिलवाओ, चाहे कुछ भी करो, हमें इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सर ये कॉलोनी बिल्डर ने पास करवाई है, ठीक है, हमें ये प्लॉट काट के दिए गए हैं, हम बाहर से आए हैं, हमने नहीं देखा यहाँ पे, उस टाइम पानी नहीं था, हमें नाला बताया गया कि यहाँ पे नाला था एक छोटा सा, उस टाइम पानी भी नहीं था उसमें। उसके बाद धीरे धीरे 4-5 साल के बाद यहाँ पानी आया, और ऐसा पानी आया कि 2 बिल्डिंगें पीछे की गिर गई, और अब तो पानी ने ऐसा रास्ता बना लिया कि सबके मकान नदी के आगे हैं। अब बताओ हम क्या करें, हमें तो यहाँ अपनी जान के और अब बच्चे हमारे साथ हैं, हम सामान लेकर के कहाँ जाएं। बरसात जी पहले तो नदी से सीगा पानी, कितना पानी सी, कितना फुट ये पहले सिर्फ नदी के बीच सीगा पानी। अच्छा, सवेरे 8-8:30 बजे उसके बाद पानी बढ़ना शुरू होया, फिर ये प्लाटा तक, ये प्लाट नाले जितने उतराई जाती है ना, उत्थे तक पानी आ गया सीगा। पूरा इदा प्लाटा चो घूम के ये सारे मकान मतलब पानी के बीच आ गए थे। ये मकान ये पिछे वाला मकान देख लो तुम, वो तो बिल्कुल ही जो तुम प्लाट लते थे, तुम दस नहीं गया नदी के बीच ने जगह। उस टाइम का गल हुई थी कि बरसाती नाला है, ये पानी आता निकल जाता है। नदी के जा रही कलोनी क्योंकि नदी जगह से। हाँ जी, बाकी जिदा है साढ़े नक्शे अप्रूव्ड है, साढ़े बिजली के बिल, पानी का बिल आप सब पे करते हैं। नदी के बिच नक्शे अप्रूव कर दिए गए हैं, हूँ उही चीज़ है साढ़े ना, फिर मतलब सानू नहीं आए धोखा होया कि जी सानू नहीं पता कि नुकसान होया। सानू
ਸਾਡਾ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਟ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਢੇਰੀ ਹੋਣੇ ਹੋਵੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ? ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਹ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ।